नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में इंस्पेक्टर निशु तोमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सीजेएम रचना की अदालत ने निशु तोमर की सरेंडर अर्जी निस्तारित कर दी है। सुल्तानपुर में विद्युत विभाग ने शहर के लक्ष्मणपुर क्षेत्र में छापा मारा। यहां लगभग 3 दर्जन जगहों से लाखों की बिजली चोरी का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर में कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे जयकुशन में रहने वाले धर्मेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा हलियापुर सुल्तानपुर मार्ग पर पारा बाजार के पास हुआ है। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना जामो के ग्राम कटारी, ग्राम रेसी और ग्राम बरहटी में दबिश दी। मौके से पाई गई शराब और करीब 200 किलो लहन नष्ट किया गया। अमेठी में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटियों के नाम पर खरीदी गई जमीन पर ईडी ने नोटिस चस्पा किया है। अमेठी में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इन दोनों आरोपियों पर गौकशी का मुकदमा दर्ज है। अमेठी में थाना जगदीशपुर पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अमेठी में आबकारी टीम ने मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के शंकरगंज धुबहा और खानापुर चपरा में आकस्मिक दबिश दी। टीम ने 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 300 किलो लहन नष्ट किया। रायबरेली से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग लोहे की रॉड, बेल्ट और कई हथियारों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य शेर बहादुर और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। जौनपुर में 5 वांटेड वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जौनपुर में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुनील चौहान बताया जा रहा है। बहराइच में थाना रिसिया पुलिस ने गुलशन निशा और मनीषा नाम की आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज है। बहराइच में थाना रिसिया पुलिस ने इसराइल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर धारा 457, 380 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज है। गोंडा में चुंगी नाका पर एक कार सवार ने टेम्पो चालक की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मामला नगर क्षेत्र के सद्भावना चौकी क्षेत्र का है। बलरामपुर में थाना तुलसीपुर के बिलोहा गांव में लुटेरों ने बैंक कर्मचारी से 1,80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बैंक के कई कागजात भी छीन लिए हैं। और यह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जंगली जानवर के साथ बर्बरता करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ में थाना इंचोली क्षेत्र के तोफापुर गांव में बदमाशों ने सिपाही के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दिन दहाड़े घर के दरवाजे पर मृतक को गोलियां मारी हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।